ये बैग रिया और तो कुछ नहीं रखना ना। रिया की मम्मी अंदर है, रिया चिल्ला रही है भी। वो डर रही है इसलिए नहीं उठ रही। कुछ भी नहीं ना। Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it. चलो हम लोग मालदीव्स के। ये बैग ले और तो कुछ नहीं रखना ना। मैं भी बाहर आया हूँ और रिया भी अंदर है, तो अभी मैं बस डैड आ रहे हैं रिया के और पी आएगी। मॉम रिया के अंदर है, मैं बाहर हूँ। थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही है। और दो घंटे बाद मतलब अभी स्टार्ट होगा ओटी में, रिया जाएगी और 4 बजे तक रिया बाहर आएगी। एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ हैं जिनके ट्विंस हुए हैं, जिनके कुछ लेडीज़ वॉक कर रही हैं, तो देख के सबको लगता है कि हाँ बहुत हार्ड होती है फीलिंग। हम बेबी का सोचते हैं बेबी के होने के बाद कि बेबी हो गया है, सब उसकी खुशी में लग जाते हैं, बट एक लेडी को 4 महीने तक, 6 महीने तक, 7 महीने तक बॉडी हील होती है, और वो बहुत टाइम लेती है हील होने में किसी किसी की बॉडी। लोग तो ना कि आराम से तोड़ दे उसको, कुछ नहीं दूँ। रोहित पीछे हाथ लगा। अच्छा हल्का सा वो पैर रख, ये हल्का सा पैर उस साइड कर, उस तरफ करो हल्का सा। तो स्टिफ क्यों हो गई? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। बेड पे लेटाने में पूरी फीलिंग ले गई है। इधर की बात चला जा। अब क्या हो गया? आ जाओ। सोचिए 3 दिन हमें कितना तंग करेगी अभी। एक्टिंग बस बहुत है रिया वैसे तो। रिया भी अंदर है, रिया को इंजेक्शन लग रहा था, मैं बाहर आ गया। रिया की मम्मी अंदर है, रिया चिल्ला रही है अभी। मैंने कहा मैं अंदर बैठूंगा तो वैसे ही और ज़्यादा तो नहीं, आपको कोई एलर्जी तो नहीं किसी टैबलेट के लिए, तो वो भी चेक कर रहे हैं। बस फिर ओटी में ले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओटी में ले जाने के बाद हम सब ओटी के बाहर होंगे। यहाँ पे ट्विंस हुए हैं तो देखो कैसा लग रहा है, बॉय एंड गर्ल। ये वाला रूम, ये वाला हमारा। अच्छा आ जा। वो डर रही है इसलिए नहीं उठ रही है। क्यों डरना? कुछ भी नहीं ना, तुमको कुछ भी नहीं मालूम नहीं होता है। इंजेक्शन डाल दस थोड़ा से उतने, पता भी नहीं लगेगा और आ जाएगा। इसकी जगह वो ले लो बेडशीट, मुझे बहुत छोटी ना इरिटेशन होती है। बेडशीट लेना, ठंडा होगा रे। वो बेडशीट डालो, देखो सॉफ्ट बेडशीट। अल्लाह अलाउड नहीं है मौती से विवेक, वो ठंडा होता है। तुम उधर से आने के टाइम ठंडा लगता है। हां मत करो, इसके नीचे बेडशीट डाल दे, वो डायरेक्ट स्किन पे टच नहीं करना। मेरे को अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है वहां पर ना ये मटेरियल। टू डायरेक्ट है थोड़ी देर रहना पड़ेगा।
पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज है. Get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. आ जा इधर आ जा. तेरा ही हो गया. बहुत ही. ये सातवीं बार इसने किया है. दूसरी जगह की बुक कर दी. सबको 7 o'clock के बाद जब तू आएगी बाहर तब दिखाऊंगा. रिया की मॉम सो गई, बेबी वहाँ पे, और मेरे लिए भी एक्स्ट्रा पैदा है. मैंने सोचा था मैं पहले मैं घर चले जाऊँगा, बट बेबी को पॉटी और सुसु इतना ज़्यादा होता है और बेबी को फीड करवाना होता है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बेड मंगवा लिया और मैं यहीं पे सोऊंगा. ऐसे भी रात के 1:30 बज चुके हैं, अभी 3 घंटे बाद फिर से बेबी को फीड करवाना है. रात से हम 3-3 घंटे के गैप में टिम टिम को खाना खिला रहे हैं, और टिम टिम है कि बस उठता है, पोटी करता है, सोता है, खाता है. बेबी के साथ रहते रहते आपको ये पता लग जाता है कि हाँ 2-2 घंटे में बेबी को फीड कैसे करवाएं. हाँ, सेकंड रॉड खोली. हाँ, जीरा ले लिया मैंने, जीरा ले लिया, वो ले लिया. चलो भाई, बेबी और रिया के लिए पानी बनाना. ये सब कुछ डाल दिया, सौंफ, अजवाइन, बड़ी इलायची और जीरा. ये एक्चुअली अच्छा होता तभी मैं 1 लीटर में ये सारी चीज़ें ऐड करके हॉस्पिटल ले जाऊँगा. मैं आ गया था सुबह क्योंकि मॉम भी नहीं सोई थी, मैं भी नहीं सोया था. रात को भी इतनी बड़ी पॉटियाँ साफ कर रहे थे. अब मैं जाऊंगा हॉस्पिटल और ये सारा पानी देना है. मॉम ने मुझे बोला, मेरी मम्मी ने, कि मैं जाके संभाल लिया हूँ, फिर वो आएंगे, फिर वो डाइट लेके जाएंगे, मतलब जो डाइट फूड है उसका वो, और बाकी उसके कपड़े, क्योंकि वो कपड़े बहुत सारे गंदे कर रहे हैं, तो सारे के सारे कपड़े गंदे हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं.